In this video, we'll learn how to add fractions. So, there are two types of fractions. Here in this worksheet, the denominators are same. So, it is very easy. In other type of question, the denominators are different. Then we have to take the LCM. तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है तो कैसे ऐड करेंगे. सी यहाँ लिखा था फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग दिस एंड दिस. तो एंड के बदले डायरेक्टली प्लस का साइन देंगे. अब कैसे ऐड करेंगे, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो एक लाइन ड्रॉ करके बस 11 लिखना है और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देना. तो दिस विल बी 7 + 3 = 10/11. ये ऑलरेडी लोएस्ट टर्म में है क्योंकि कोई ऐसा फ्रैक्शन है नहीं जो डिवाइड कर देगा, कोई ऐसा नंबर नहीं है और ये प्रॉपर फ्रैक्शन में ही है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे. इसी तरह से ये वाला 8 और 8 है तो एक लाइन ड्रॉ करके 8 लिखेंगे, ऊपर में 7 + 4. 7 + 4 = 11/8. तो ये ऑब्जर्व करो कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है और हम लोगों को पता है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन को हम लोग इस तरह से मिक्स्ड में लिख सकते हैं. तो इसको हम लोग मिक्स्ड में लिखेंगे. क्वोशेंट होल नंबर बनता है, रिमाइंडर न्यूमरेटर में आता है और डिनोमिनेटर सेम रहता है. अब ये क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, 1 सब क्वेश्चन नंबर 8. ऑलरेडी क्वेश्चन मिक्स्ड में है तो सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में कन्वर्ट करना होगा. कैसे करते हैं, 2 × 7 = 14, 14 + 1 = 15/7, 1 × 7 = 7 + 1 = 8/7, फिर एक स्ट्रेट लाइन टान कर 15 + 8, दिस इज 23/7. अब इसको हम लोग मिक्स्ड में लिख सकते हैं, 3 से जा रहा है 21, 2 इज रिमेनिंग. सो क्वोशेंट साइड में आएगा, रिमाइंडर ऊपर, डिनोमिनेटर 7 रहेगा. तो जो मिक्स्ड फ्रैक्शन में लिखा हुआ रहता है पहले उसको इम्प्रॉपर किया जाता है, फिर जैसे ऐड कर रहे थे उसके बाद आंसर अगर इम्प्रॉपर आ रहा है तो उसको वापस से मिक्स में लाना पड़ता है. इम्प्रॉपर क्या बताए थे, व्हेन न्यूमरेटर इज ग्रेटर देन द डिनोमिनेटर. तो इसी तरह से सारा एडिशन करना है, 3 का रहेगा तो भी ऐसे ही करना है. नेक्स्ट इज सब्ट्रैक्शन. तो फॉर सब्ट्रैक्शन ऑल्सो द न्यूमरेटर डिनोमिनेटर्स आर सेम ओनली. तो एक कॉमन डिनोमिनेटर लिखेंगे 15 और ऊपर में लिखेंगे 13 - 7. यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस रहेगा. नाउ 13 - 7 = 6/15. अब 6/15 में क्या हो रहा है, दोनों 3 से डिवाइड हो रहा है, दोनों का कॉमन फैक्टर है 3. सो आई विल डिवाइड दिस बाई 3 और यहाँ 2 हो जाएगा और इसको 3 से डिवाइड करेंगे तो 5 हो जाएगा. तो इसका आंसर 2/5 लिख दिए. ये सिंपलेस्ट फॉर्म में हो गया. इसी तरह से ये, तो पहले इसको इम्प्रॉपर में लिखेंगे, 2 × 3 = 6, 6 + 2 = 8, तो ये हो जाएगा 8/3. फिर माइनस 1 × 3 = 3, 3 + 1 = 4, तो 4/3. फिर सब्ट्रैक्शन के लिए ऐसे लिखेंगे तो ये हो गया 4/3. ऊपर में बड़ा है इसका मतलब इम्प्रॉपर है, तो इसको डिवाइड करेंगे. तो क्वोशेंट साइड में, रिमाइंडर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे. इसी तरह से थर्ड क्वेश्चन है सिंप्लीफिकेशन. तो उसमें एडिशन और सब्ट्रैक्शन मिक्स करके दे दिया गया है, तो उसको कैसे करेंगे. सबसे पहले तो यहाँ दिख रहा है कि इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है तो उसको प्रॉपर में लिखना होगा. 5 × 2 = 10 + 1 = 11/2, देन प्लस 2 × 2 = 4, 4 + 1 = 5/2 और हाफ. अब क्या करेंगे, तीनों में एक कॉमन लाइन ड्रॉ करेंगे, ये हो जाएगा 11 + 5 - 1. तो 11 + 5 = 16 - 1/2, 16 - 1 = 15/2. स्टेप बाय स्टेप सॉल्व करेंगे. अब ये इम्प्रॉपर फ्रैक्शन है क्योंकि ऊपर में बड़ा है तो हम लोग 2 से ऐसे डिवाइड करेंगे. तो आंसर क्या लिखेंगे, जो क्वोशेंट आया वो साइड में, रिमाइंडर ऊपर, डिनोमिनेटर नीचे. ये रहा आंसर. इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 3. सबके पास हमेशा ध्यान रखना डिनोमिनेटर सेम है या नहीं है.
तो अब सारा नंबर्स साइन के साथ एग्जैक्टली लिखेंगे। अब पहले क्या करेंगे, 7 + 9 = 16, और रिमेनिंग क्वेश्चन ऐसे ही लिख दे रहे हैं। फिर 16 - 1 = 15, फिर 15 + 11 = 26/29, और ये तो प्रॉपर फ्रैक्शन है तो इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। तो इसी तरह से क्वेश्चन 1, 2 और 3 ख़त्म करना। अब क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोल रहा, सो जस्ट अ मिनट। सो क्वेश्चन 4 में क्या है, सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस एंड दिस फ्रॉम दिस। तो फ्रॉम में सब्ट्रैक्शन में क्या समझाएं कि ये सामने आएगा, लेकिन अभी सम बोला है ना, सम ऑफ दिस एंड दिस, तो पहले इन दोनों नंबर को ऐड करना होगा, दोनों फ्रैक्शंस को। सो आई राइट 2 3/5 + 1 2/5, इसको कन्वर्ट करेंगे। सो इट विल बी 2 × 5 = 10, 10 + 3 = 13/5 + 5 × 1 = 5 + 2 = 7/5, फिर 5 डिनोमिनेटर कॉमन लेकर 13 + 7, तो ये हो जा रहा है 20/5। लेकिन ऊपर का कट मत करना, ये तो 4 से कट हो जा रहा है, लेकिन अभी क्वेश्चन बचा है ना सब्ट्रैक्शन करना, तो इस वजह से यहाँ कट मत करना। तो सब्ट्रैक्शन क्या करना है, फ्रॉम 7 3/5 लिखा था, तो 7 3/5 को सामने लिखना होगा, फिर -20/5। तो इसको अगर हम लोग इम्प्रॉपर में करेंगे तो 7 × 5 = 35, 35 + 3 = 38/5, फिर कॉमन डिनोमिनेटर लेंगे 38 - 20, तो ये हो गया 18/5। अब इसको हम लोग मिक्स में लिख सकते हैं, 3 से डिवाइड हो रहा है, 3 बच रहा है, तो 3 3/5 इज द आंसर। यहाँ कट नहीं करना है, वो ध्यान में रखना। नेक्स्ट है ऐड दिस टू द डिफरेंस ऑफ दिस एंड दिस, मतलब ये नंबर ऐड करना है, किस में ऐड करना है, इन दोनों के डिफरेंस में, डिफरेंस का मतलब सब्ट्रैक्ट करना है। तो पहले इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करते हैं। यहाँ पर देखो फ्रॉम नहीं है, इस पोर्शन को सामने मत लिखना, सामने यही नंबर रहेगा। तो आई राइट 7 5/8 - 3 3/8, सबसे पहले इसको इम्प्रॉपर में लिखना होगा, तो 7 × 8 = 56 + 5 = 61/8 - 3 × 8 = 24 + 3 = 27/8, 8 कॉमन ले लिए। अब क्या करेंगे, यहाँ से 61 - 27 लिख देंगे, सो दिस इज 34, तो यहाँ 34/8 लिख दिए। अभी यहाँ कट नहीं करेंगे, अब एडिशन का पार्ट बचा था, तो एडिशन में क्या ऐड करना था, 2 3/8 + 34/8, तो 2 × 8 = 16, 16 + 3 = 19/8, फिर ऐड करेंगे, आंसर इम्प्रॉपर आएगा तो उसको मिक्स्ड में कन्वर्ट करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6, जयंत बॉट 4/5 kg ऑफ ड्राई फ्रूट्स एंड ही एट 2/5 kg, हाउ मच वॉज लेफ्ट, कितना बचा है, तो माइनस करेंगे टोटल क्वांटिटी से इसको। तो पहले स्टेटमेंट क्या लिखेंगे, क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स जयंत बॉट इक्वल्स टू 4/5, क्वांटिटी ऑफ ड्राई फ्रूट्स ही एट इक्वल्स टू 2/5, देयरफॉर रिमेनिंग क्वांटिटी माइनस करके दिखाएंगे। उसी तरह से 7th क्वेश्चन, सुनील डिड 3/7 ऑफ हिज होमवर्क ऑन सैटरडे, 2/7 ऑन संडे, हाउ मच होमवर्क डिड ही कंप्लीट ओवर द वीकेंड, वीकेंड मतलब सैटरडे संडे दोनों, तो दोनों दिन मिलाकर कितना किया, दिस प्लस दिस। तो स्टेटमेंट्स हम सिर्फ बोल दे रहे हैं, तुमको सुन के खुद लिखना है। तुमको लिखना होगा अमाउंट ऑफ वर्क, अमाउंट ऑफ होमवर्क कंप्लीटेड ऑन सैटरडे,
इक्वल्स टू 3/7। फिर अमाउंट ऑफ वर्क कंप्लीटेड ऑन संडे इक्वल्स टू 2/7। फिर देयरफॉर टोटल वर्क डन इक्वल्स टू दिस प्लस दिस। इसी तरह से रिबन विच इज इतना मीटर लॉन्ग इज कट इन टू टू पीसेस, दो हिस्सा में बांट दिया गया। तो अगर एक लेंथ इतना बड़ा है दूसरे का कितना होगा, तो टोटल लेंथ तो पता है, सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो स्टेटमेंट कैसे लिखेंगे, टोटल लेंथ ऑफ द रिबन इक्वल्स टू 4 1/3 मीटर और लेंथ ऑफ वन पीस इक्वल्स टू 2 2/3 मीटर। तो अब दूसरे वाले का निकालना है तो लिखेंगे देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पीस इक्वल्स टू, ये पहले आएगा 4 1/3 - 2 2/3। अब यहाँ सबसे पहले कन्वर्ट करना होगा, 4 × 3 = 12, 12 + 1 = 13/3, 2 × 3 = 6, 6 + 2 = 8/3, तो ये आ रहा है 5/3 मीटर। 5/3 का मतलब इस तरह से डिवाइड करेंगे तो 1 2/3 मीटर। तो ये आंसर है। एक बार देयरफॉर करके लिख देंगे, देयरफॉर लेंथ ऑफ अदर पीस इक्वल्स टू 1 2/3 मीटर। इसी तरह से सारे वर्ड प्रॉब्लम्स को करना है। द कॉस्ट ऑफ पेन इज दिस एंड कॉस्ट ऑफ पेंसिल इज दिस, विच कॉस्ट मोर एंड बाई हाउ मच। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ हम लोगों को दो पार्ट करना है, पहले तो फ्रैक्शन को कंपेयर भी करना होगा। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, कॉस्ट ऑफ पेन इक्वल्स टू 9 2/5 रुपीज। इसको हम लोग यहाँ कन्वर्ट भी कर सकते हैं, 9 × 5 = 45 + 2 = 47/5। और लिखेंगे कॉस्ट ऑफ पेंसिल इक्वल्स टू 3 1/5, तो 3 × 5 = 15, 15 + 1 = 16/5। अच्छा अब देखो, दो नंबर है 47/5 और 16/5, दोनों का डिनोमिनेटर सेम है तो समझ में आ रहा है 47 बड़ा तो ये फ्रैक्शन बड़ा, यहाँ क्रॉस मल्टीप्लाई करके देखने का ज़रूरत नहीं है। तो सिंस 45/5 इज़ ग्रेटर देन 16/5, देयरफॉर इस साइन को सिंस बोलते हैं। तो देयरफॉर पेन का कॉस्ट ज़्यादा है, कॉस्ट ऑफ पेन इज़ मोर देन द पेंसिल। तो ये तो बता दिए किसका ज़्यादा। अब पूछा है बाई हाउ मच, हाउ मच मतलब कितना ज़्यादा, तो वो दोनों को सब्ट्रैक्ट करके देखेंगे। तो इस तरह से सब्ट्रैक्ट करके दिखा देना, फिर ये क्वेश्चन सारा खुद से कंप्लीट करना है, जो नहीं आएगा वो हम व्हाट्सएप के थ्रू क्लैरिफाई कर देंगे।